आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरीज के बारे में कि कैसे हम डायनेमिक मेमोरीज़ को यूज़ कर सकते हैं टेस्ट बेंच कॉम्पोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए एक्चुअली सिस्टम वेरी लॉग में कुछ नई टाइप की मेमोरीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था सो so, सवाल ये है कि आखिर ज़रूरत क्या थी इन नई मेमोरीज की तो वेरी लॉग एच में हम जितनी भी मेमोरीज देखते हैं जितने भी एर की हम बात करते हैं ये सभी स्टैटिक नेचर के होते हैं एज अ डिज़ाइनर अगर आप किसी भी एरे को डिफाइन करते हैं या फिर आप इसके लिए सोर्स कोड लिखते हैं तो वहाँ पे जनरली रैम या फिर रोम की हम बात करते हैं तो अगर हम रियल हार्डवेयर में देखें तो इसका ऐसा कोई डायनेमिक चेंज नहीं आता है बट जब भी हम सिमुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम रैंडम सिमुलेशंस को रन करते हैं इन केस ऑफ सिस्टम वेरी लॉग तो रैंडम सिमुलेशंस के केस में कई डिफरेंट टाइप के पैकेट्स को जनरेट किया जाता है और ये पैकेट्स डिफरेंट सिनेरियोज पे बेस्ड होते हैं जैसे कि गुड पैकेट बैड पैकेट एरर पैकेट ये कुछ कॉमन सीनेरियोज होते हैं जिसके बेसिस पे पैकेट्स जनरेट होते हैं अब ड्यूरिंग द सिमुलेशन हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जितने भी

तो ऐसी कंडीशन में हम बात करते हैं डायनेमिक मेमोरीज की जो हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो आज हम देखेंगे पैक्ड एरेज अनपैक्ड एरेस डायनेमिक एरेस एसोसिएटिव एरेज एंड क्यूज़ के बारे में स्टार्ट करते हैं पैक्ड एरेस से कुछ डेटा टाइप्स के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हम इसे एक्सेस कर पाएँ एज अ एंटायर वैल्यू एंड ऑल्सो एज अ स्मॉलर एलिमेंट एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास थर्टी टू बिट रजिस्टर अगर अवेलेबल है तो कई बार आपकी ज़रूरत होगी कि आप इसे एज अ एट बिट्स वैल्यू एग्जीक्यूट कर पाएं इसे एक्सेस कर पाएँ और कई बार आप इसे एज़ अ सिंगल सिंगल बिट एक्सेस कर पाएं तो सिस्टम वेरी लॉक के केस में ये जो पैक्ड एरेज होते हैं इसे हम एक्सेस कर सकते हैं बोथ एज एन एरे एंड एज अ सिंगल वैल्यू इसमें जो डेटा होता है ये कंटिन्यूस मैनर में स्टोर्ड होता है साथ ही साथ इसमें कोई भी अनयूज स्पेस नहीं होता है अनलाइक टू द अनपैक्ड एरे इन पैक्ड एरेज को मेनली यूज किया जाता है बस रजिस्टर्स एंड बिट ओरिएंटेड हार्डवेयर एलिमेंट्स के केस में जब भी हम इन पैक्ड एरेज़ को डिक्लेयर करते हैं इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी डायमेंशनस आप इसे दे रहे हैं उसे हमें वेरिएबल नेम के पहले लिखना होता है तो एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं ये जो पैक्ड एरेज होते हैं ये वन डायमेंशनल भी होते हैं और मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लिखा है बिट सेवन डाउन टू ज़ीरो बाइट्स तो ये एक एग्जाम्पल है वन डायमेंशनल पैक्ड एरे का यहाँ पे हमारे पास है बाइट्स ऑफ ज़ीरो बाइट्स ऑफ वन टिल बाइट्स ऑफ सेवन नेक्स्ट है बिट थ्री डाउन टू जीरो सेवन डाउन टू जीरो बी अरे सो ये एक एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल पैक्ड एरेज़ का यहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट बी एरेज हैं और हर एक जो बी अरे है वो एट बिट्स का है इसलिए हम इसे बोल रहे हैं टू डायमेंशनल पैक्ड एरे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास थ्री डायमेंशनल पैक्ड एरेज का यहाँ पे है हमारे पास बी आर ओफ़ जीरो बी आर एफ वन बी आर ओफ थ्री तो कुछ इस तरीके से आप पैक्ड एरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं नेक्स्ट है अनपैक्ड एरेस अब ये जो अनपैक्ड एरेज हैं ये बिट ओरिएंटेड नहीं होते हैं यानी कि यहाँ पे आपको कुछ अनयूज स्पेस दिखेंगे ये अनपैक्ड एरेज भी सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल नेचर के होते हैं इसमें ये जो डेटा टाइप होता है ये वेरिलॉक का कोई भी डेटा टाइप हो सकता है अनपैक्ड एरेज के केस में जो भी डायमेंशन हम डिफाइन करते हैं इसे हमेशा वेरिएबल नेम के बाद लिखा जाता है तो ये एक मेन डिफरेंस होता है जब भी हम पैक्ड एरेज या फिर अनपैक्ड एरेज को डिक्लेयर करते हैं अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा है बिट देन बाइट्स ऑफ एट तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन हमने इसे प्रोवाइड किया है वो इस वेरिएबल नेम के बाद हमने लिखा है नेक्स्ट इज बिट बी अरे थ्री एंड देन सेवन तो कुछ इस तरीके से आप अपने अनपैक्ड एरेज को डिफाइन कर सकते हैं अब यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं बी आर एफ जीरो बी आर एफ वन बी आर एफ टू ये एक मल्टी डायमेंशनल अनपैक्ड एरे का एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास कुछ अनयूज स्पेस अवेलेबल है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो अनपैक्ड एरे है ये बिट ओरिएंटेड नहीं है नेक्स्ट है डायनेमिक एरे तो वेरी लॉक के केस में हम जो भी एरेज देखते हैं वो सभी फिक्स्ड साइज एरे होते हैं और इसका जो साइज होता है वो कंपाइल टाइम में ही सेट कर दिया जाता है बट अगर हम उस कंडीशन की बात करें जब रन टाइम पे पहुंचते तक हमको उस एरे का साइज नहीं पता है उस कंडीशन में आप स्टैटिक एरेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज आपको साइज नहीं पता है उस एरे का तो आप डिक्लेयर कैसे करेंगे तो यहाँ पे एंट्री होती है डायनेमिक एरेज की जिसमें हमें डिक्लेरेशन के टाइम पर कोई भी साइज एलोकेट नहीं करना होता है रन टाइम पर हम इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी साइज प्रोवाइड कर सकते हैं तो जब भी हम डायनेमिक एरेस को डिक्लेयर करते हैं तो इसे हम लिखते हैं एक एम्पटी वर्ड सबस्क्रिप्ट के साथ और ड्यूरिंग द रन टाइम हम इसके साइज को चेंज कर सकते हैं इसके लिए कई सारे डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं जैसे कि पुश बैक या फिर न्यू साइज को असाइन करना अब यहां पे एग्जाम्पल में हमने लिखा है इंट देन डायनेमिक एरे एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट तो ये तरीका होता है कैसे हम किसी डायनेमिक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं पहले हमको इसका डेटा टाइप लिखना होता है देन जो भी हम नाम असाइन कर रहे हैं उस एरे को वो एंड देन द स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे कोई भी साइज आपको अलॉट करने की जरूरत नहीं होती है इन केस ऑफ डायनेमिक अरे नेक्स्ट इज डायनेमिक अरे डॉट पुश बैक फोर्टी टू तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट एड किया है इस डायनेमिक एरे के एंड में एक और एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा है इंट एंड देन हमने दो डायनेमिक एरे को डिक्लेयर किया है डाइन एंड देन डी टू नाव इन इनिशियल बिगिन डाइन इक्वल्स टू न्यू ऑफ फाइव यानी कि हमने फाइव एलिमेंट्स को अलोकेट किया है इस डाइन डायनेमिक एरे में नाओ फॉर ईच डाइन ऑफ जे अब यहाँ पर हमने क्या लिखा डाइन ऑफ जे इक्वल्स टू जे यानी कि डाइन ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो डाइन ऑफ वन इक्वल्स टू वन टिल डाइनो फोर इक्वल्स टू फोर क्योंकि हमने इस डाइन जो कि हमारा डायनेमिक कह रहे हैं इसको हमने पांच एलिमेंट्स अलोकेट किए थे तो ये वेरी करेगा जीरो से लेकर के फोर तक अब हमने नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या लिखी है डी टू इक्वल्स टू यानी कि इस डाइन जो डायनेमिक अरे है इसकी वैल्यू को हमने कॉपी कर दिया है इस डी टू अरे में अब हमने यहाँ पे क्या लिखा इस डी टू अरे की वैल्यू को मॉडिफाई किया डी टू ऑफ जीरो इक्वल्स टू फाइव अब नेक्स्ट टाइम में हमने लिखा है डॉलर डिस्प्ले डाइन ऑफ जीरो डी टू ऑफ जीरो तो इसे जब भी आप सिमुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा डाइन ऑफ जीरो हमारा क्या है जीरो है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया था डाइन ऑफ जे इक्वल्स टू जे तो डाइन ऑफ जीरो क्या होगा जीरो ही होगा और यहाँ पे हमने डी टू की वैल्यू को अपडेट किया था डी टू ऑफ जीरो इक्वल्स टू फाइव तो फाइनली हमको यहाँ पे वैल्यूज क्या मिलेंगे जीरो एंड फाइव नेक्स्ट लाइन है डाइन इक्वल्स टू न्यू ट्वेंटी एंड देन डाइन तो यहाँ पे हम अपना जो ये डाइन डायनेमिक एरे है इसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं प्लस जो हमारी पुरानी वैल्यू थी इस एरे की उसको हम कॉपी भी कर रहे हैं तो इस मेथड को हम बोलते हैं एक्सपेंड एंड कॉपी नेक्स्ट है डाइन इक्वल्स टू न्यू ऑफ हंड्रेड यहाँ पे हम हंड्रेड न्यू इंटीजर्स को अलोकेट कर रहे हैं डाइन में लेकिन यहाँ पे हम किसी भी ओल्ड वैल्यू को कॉपी नहीं कर रहे हैं तो जो हमारी ओल्ड वैल्यूज होंगी वो लॉस्ट हो जाएंगी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है डाइन डॉट डिलीट यहाँ पे हम अपने इस डाइन डायनेमिक एरे की सारी वैल्यूज को डिलीट कर दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं अपने डायनेमिक एरे में नेक्स्ट बात करते हैं क्यूज की तो सिस्टम वेरी लॉग एक नए टाइप के डेटा टाइप को इंट्रोड्यूस करता है जिसे हम क्यू कहते हैं ये बहुत ही इजीली सर्चिंग एंड सॉर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि फिक्स्ड साइज एरे की, की तरफ फास्ट तो होता ही है साथ ही साथ लिंक्ड लिस्ट की तरफ वर्सेटाइल भी होता है डायनेमिक एरे की ही तरह क्यूज़ भी ऑटोमेटिकली ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं बट क्यूज़ के केस में एक एडेड बेनिफिट ये होता है कि इसमें एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव करना बहुत ही ईजी हो जाता है किसी भी लोकेशन में हम बहुत ही ईजिली एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं रिमूव भी कर सकते हैं अब ये जो क्यू होता है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर पे बेस्ड होता है इसी पे बेस्ड इसकी वर्किंग होती है कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम क्यू के यहां पे हमने लिखा है इंट क्यू एंड देन डॉलर ये जो डॉलर है एक्चुअल में जब भी हम किसी क्यू को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे हम इसे कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप देन उस क्यू का नाम एंड देन डॉलर क्यू डॉट पुश बैक वन अब यहां पे हम इस वन वैल्यू को पुश कर रहे हैं इस क्यू में इसको हम बोलते हैं इन क्यू एन एलिमेंट नेक्स्ट है इंट फ्रंट एलिमेंट इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉप फ्रंट यहाँ पे हम डी क्यू कर रहे हैं अपने एलिमेंट को यानी कि फ्रंट की वैल्यू को हम पॉप कर रहे हैं क्यू से और इसे असाइन कर रहे हैं इस फ्रंट एलिमेंट में क्यू का ये एक एग्जाम्पल हम अच्छे से समझ लेते हैं जहाँ पे हमने लिखा है इंट जे इक्वल्स टू जीरो देन क्यू वन थ्री कॉमा फोर एंड क्यू टू जीरो कॉमा टू कॉमा फाइव यानी कि यहाँ पे हमने क्यू वन और क्यू टू ये दो क्यूज को डिक्लेयर किया है अब हमने यहाँ पे लिखा है क्यू टू डॉट इंसर्ट वन कॉमा जे यानी कि इस क्यू Q2 के फर्स्ट इंडेक्स पे हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं J J की इनिशियल वैल्यू क्या है वन तो हम फर्स्ट इंडेक्स पे वन इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारी Q2 की अपडेटेड वैल्यू क्या है पुरानी वैल्यू थी 0.2.5 अपडेटेड वैल्यू क्या होगी 0.1.2.5 ये हमारी अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी क्योंकि हमने फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू वन को इंसर्ट किया है नेक्स्ट लाइन है क्यू टू डॉट इंसर्ट थ्री कॉमा क्यू वन अब थर्ड इंडेक्स पे हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं Q1 Q को यानी कि इस पूरे के पूरे Q को ही हम इंसर्ट कर दे रहे हैं थर्ड इंडेक्स पे तो हमारे Q2 क्यू की अपडेटेड वैल्यू होगी ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आप एक सिंगल वैल्यू को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और आप एक पूरे के पूरे क्यू को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन है क्यू टू डॉट डिलीट वन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स में जो भी वैल्यू अवेलेबल है उसे हम डिलीट कर रहे हैं तो अपडेटेड वैल्यू क्या होगी क्यू की जीरो टू थ्री फोर फाइव नेक्स्ट है क्यू टू डॉट पुश फ्रंट सिक्स अब यहाँ पे ये जो सिक्स वैल्यू है इसे हम पुश कर रहे हैं फ्रंट में तो हमारी Q2 की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी सिक्स एंड देन ज़ीरो टू थ्री फोर फाइव तो इस तरीके से हमने फ्रंट में एक वैल्यू को इंसर्ट किया देन J इक्वल्स टू क्यू टू डॉट पॉप बैक यानी कि लास्ट में जो भी वैल्यू है इस Q2 Q में उसे हम पॉप करेंगे एंड उस वैल्यू को हम असाइन कर देंगे J में तो यहाँ पे J को हम कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं फाइव बिकॉज हमारे Q की लास्ट वैल्यू क्या थी फाइव इसे हमने पॉप किया और असाइन कर दिया J को नेक्स्ट है क्यू टू डॉट पुश बैक एट यानी कि इस Q2 में हम 8 को पुश कर रहे हैं तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या हुई 8 और ये हो गया हमारा अपडेटेड Q नेक्स्ट है J इक्वल्स टू क्यू टू डॉट पॉप फ्रंट फ्रंट से हमको वैल्यू को पॉप uh, करना है और इसे असाइन कर देना है जे में तो हमारी फ्रंट की वैल्यू क्या है सिक्स है तो हमने सिक्स को पॉप किया और असाइन कर दिया जे में तो यहाँ पे हमारी जे की वैल्यू क्या हो गई जे इक्वल्स टू सिक्स तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप अप्लाई uh, कर सकते हैं क्यूज़ में आई होप इट इज़ क्लियर टू यू अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं तो इस तरीके से हमने क्यूज को भी कंप्लीट कर लिया क्यू में हमने क्या देखा कि नए एलिमेंट्स को बहुत ही इजीली ऐड एंड रिमूव किया जा सकता है साथ ही साथ इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी लोकेशन uh, के थ्रू इसे हम बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स नेक्स्ट है एसोसिएटिव एरे अब डायनेमिक एरेज उस कंडीशन में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जब हमें ओकेजनली लार्ज एरे को क्रिएट करना होता है बट जब हमें एक्चुअल में काफ़ी ह्यूज मेमोरी की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमारा काम डायनेमिक अरे से नहीं हो पाता है तब पिक्चर में एंट्री होती है एसोसिएटिव एरेस की इसे हम एसोसिएटिव मेमोरीज भी कहते हैं अब ड्यूरिंग आपको जरूरत होगी वो कुछ हंड्रेड्स या फिर कुछ थाउजेंड्स में होंगी तो ऐसी कंडीशन में गीगा की मेमोरी को अलोकेट करना कहीं से भी वर्थ नहीं होगा बल्कि ये हमारे रिसोर्सिस को वेस्ट करेगा तो ऐसी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट के लिए ही सिस्टम वेरिलॉग एसोसिएटिव एरेज़ प्रोवाइड करता है जिसमें जो एंट्रीज होती हैं इसे स्पार्स मैट्रिक्स में स्टोर किया जाता है एसोसिएटिव एरेज़ के केस के में हम कीज का यूज करते हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ये काफी फ्लेक्सिबल और वर्सेटाइल नेचर के होते हैं अब एसोसिएटिव मेमोरीज़ के केस में कहने के लिए तो आपके पास बहुत बड़ी मेमोरी अवेलेबल होती है बट एक्चुअल में मेमोरी सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को असाइन uh, की जाती है जहां पे हम पर्टिकुलर uh, कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम्पल की डिक्लेरेशन तो कि किया है और यहाँ पे जो भी हमने की यूज किया है वो है स्ट्रिंग नेक्स्ट हमने लिखा है एसोसिएटिव अरे की तो यहाँ पे हमने एक नए की वैल्यू पेयर को एड किया है तो मेनली एसोसिएटिव एरे से हमने क्या समझा कि इसमें जो मेमोरीज होती हैं, इसे तब अलॉट किया जाता है जब हम एक्चुअल में कोई डेटा राइट करते हैं उस लोकेशन में, तब मेमोरी अलोकेट किया जाता है और यहां पे जो मेमोरी रीड एंड राइट होता है ये नॉन कंटिन्यूस मैनर में होता है ये एसोसिएटिव एरेज एक ग्रेट ऑप्शन होते हैं मेमोरी मॉडल क्रिएट करने के लिए जहां पे हम स्पार्स मेमोरीज यूज करते हैं डायनेमिकली मेमोरी को अलॉट किया जाता है जो कि नॉन कंटिग्यूस नेचर के होते हैं इसे हम इंटीज़र एंड स्ट्रिंग इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं इसमें कई इन फंक्शंस भी होते हैं जैसे कि एग्जिस्ट फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट प्रीवियस अब इसका एक डिटेल्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं बट बिफोर दैट ये जो फिगर है यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से नॉन कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी अलोकेट किया गया है यानी कि जो अलोकेशन हुआ है ये आप देख रहे हो ये कंटिन्यू नहीं है हम रैंडम लोकेशन पे मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉन कंटिन्यूअस नेचर का होता है अब इसका एक ही डिटेल्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हमने लिखा है मॉड्यूल टेस्ट देन हमने लिखा इंट एस मैम इंट तो यहाँ पे हमने ए एस मैम दैट इज़ एसोसिएटिव मेमोरी इसे डिक्लेयर किया है जहाँ पे ये हमने uh, की लिया है इंटीजर अब इनिशियल बिगिन देन हमने कुछ वैल्यू असाइन की है अपने एसोसिएटिव मेमोरी को तो ए एस मैम ऑफ फोर इक्वल्स टू टू ए एस मैम ऑफ वन फिफ्टी इक्वल्स टू सिक्स एस मैम ऑफ फोर्टी फाइव इक्वल टू ट्वेंटी एंड ए एस मैम ऑफ टू हंड्रेड इक्वल्स टू सेवेंटी एट तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का अलोकेट कर दिया है अब हमने लिखा इफ ए एस एम डॉट एग्जिस्ट फोर्टी फाइव यानी कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या फोर्टी फाइव जो पोजिशन है यहाँ पे कोई एंट्री है कि नहीं है यानी कि ये जो एंट्री है ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है फोर्टी फाइव इंट्री जो है हमारी अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो ये डिस्प्ले क्या कर रहा है एंट्री एग्जिस्ट वैल्यू इज़ और जो भी उस एंट्री पे वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करेगा अगर ये एंट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये प्रिंट करेगा डॉलर डिस्प्ले नो एंट्री ऑल्सो हमने कमांड दिया है डॉलर डिस्प्ले नंबर ऑफ एंट्रीज इन एरे इज और जो भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी अब जब भी इसको आप सिमुलेट करोगे तो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिल रहा है एंट्री एग्जिस्ट वैल्यू इज 20 क्योंकि जो 45 फाइव एंट्री की हम बात कर रहे हैं ये एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 20 इसलिए यहाँ पे हमें ये 20 प्रिंट करके दे रहा है नेक्स्ट जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो है नंबर ऑफ इंट्रीज इन एरे इस फोर बिकॉज इस एरे में टोटल फोर वैल्यूज़ ही प्रोवाइड की गई हैं इसलिए इस फोर वैल्यूज़ को ही मेमोरी अलोकेट किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ़ इंट्रीज कितनी होंगी फोर होंगी तो इस तरीके से आप एसोसिएटिव एरेज को यूज़ कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हमने पैक्ड एरेज अनपैक्ड एरेज डायनेमिक एरे एसोसिएटिव एरे एंड क्यूज़ इसको डिटेल में समझाए हो सकता है ये डायनेमिक एरे वाला जो कंसेप्ट है ये आपके लिए थोड़ा नया हो तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं इसे पॉज करके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बट दो से तीन बार जब आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा बैचमेट्स के साथ इस सिस्टम वेरी लॉक कोर्स को शेयर करें जिससे कि आप उनके साथ भी अपने छोटे छोटे से डाउट्स को डिस्कस कर पाए साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बी पॉइंट के नाम से वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं और अपने पीयर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं मिलते हैं अगले पार्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग